मैं जा रही हूँ स्पीड पुलिस पुलिस पांच नंबर चौकी। पांच नंबर चौकी पुलिस स्टेशन। ये देखो ये अली नगर स्कूल है, यहाँ पर बेंजायतन ये स्कूल है। तो स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम रखा गया है मलाड वेस्ट मालवनी पुलिस स्टेशन में। मालवनी पुलिस स्टेशन में सजावट आप देखें, यहाँ मौजूद सभी लोगों में इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल का जोश और उत्साह काफ़ी देखने को मिला। इवन आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि हर साल हमारी सोसाइटी में तो हम इंडिपेंडेंस डे बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, बट इस बार बिकॉज ऑफ माई डॉटर अलीना की वजह से हमें 15 अगस्त यहाँ मालवनी पुलिस स्टेशन में सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, थैंक्स टू द स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल द स्टाफ। तो अलीना बिल्कुल रेडी है अपनी स्पीच अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ अलीना के स्कूल से और भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं जो कि परफॉर्म करेंगे, लेकिन ध्वजारोहण के बाद। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। डर तो नहीं लग रहा? नहीं, स्पीच बोलोगे फटाफट? वेरी गुड। तो यहाँ छोटे छोटे स्कूल के प्यारे प्यारे से बच्चों ने काफ़ी परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था बच्चों का, और बच्चों के साथ टीचर ने भी काफ़ी अपना एफर्ट्स यहाँ पर दिया। टीचर साइड में खड़े रहकर परफॉर्म कर रही थी और बच्चे देखिए किस तरह से मतलब उनको फॉलो कर रहे थे। अब अलीना भी तैयार है अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच देने के लिए, तो ये रही अलीना की स्पीच। भगवान भगवान भगवान
बच्चों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई और इसी के साथ मालवनी पुलिस स्टेशन का ध्वज समारोह पूरा हुआ। हमारे मालवनी पुलिस स्टेशन के सर्व पुलिस अधिकारियों को दिल से सलाम इतने प्यारे फंक्शन के लिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ का सेलिब्रेशन ख़त्म होते ही हमने हमारी सोसाइटी में होने वाले इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में शिरकत किया, जो कि हर साल सभी मेंबर्स इकट्ठा होकर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं 15 अगस्त। हमारी चीफ गेस्ट कांग्रेसी नगर सेविका श्रीमती सलमा अलमेलकर जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। फिर जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। ये देखे समोसा लड्डू वेफर हो इसे तो मैं गर्मा गर्म चाय के साथ घर जाकर खाने वाली हूँ भाई। अभी इतना ही नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे नेशनल फेस्टिवल की छुट्टी है तो हमने प्लान किया है रिजॉर्ट जाने का। पूरी तैयारी के साथ अलीना मैं और उसके डैडी निकल पड़े हैं हॉलीडे इन्जॉय करने के लिए। लेकिन हम अकेले नहीं थे जो कि छुट्टी मनाने के लिए निकले थे यहाँ पर। जैसे हम गोराई बीच पहुँचे तो फेरी की इतनी लंबी कतार थी कि बस हमने अपना प्लान ऑन द स्पॉट चेंज कर दिया और हम पहुंच गए इन्फिनिटी मॉल, जो कि मलाड वेस्ट में आता है। यहाँ मैं जितनी बार भी आती हूँ ना, हर बार मुझे इंटरेस्टिंग ही लगता है। जैसे कि आप ये देखिए, हॉलीडे का दिन है, मॉल में एंटर करते ही यहाँ खूब सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, जैसे शो पीसेस, ट्रे, कीचेन, ईयरिंग्स, दिया, एनवलप, चॉकलेट्स, जो कि मैं खुद ही घर पर बना लेती हूँ। तो मैंने तो बस अपनी आंखें सेक ली, कुछ ख़रीदा नहीं मैंने यहाँ से, क्योंकि मुझे तो जाना है फूड कोर्ट जहाँ मिलता है खूब सारा खाना खाना खाना। वो रील्स वाला फोकट वाला खाना नहीं, फूड कोर्ट में भी इतना ज़्यादा रश है ना आज हॉलीडे के दिन के बस मतलब अगर आज बैठने के लिए जगह मिल जाए ना तो लॉटरी समझिए। तो सबसे पहले हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे KFC और KFC से मज़ेदार सा चिकन का टब लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखिए KFC का चिकन खाना है तो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ओहो हो हो। तो करीब 20-25 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली ऑर्डर हमने दे दिया और ये रहा हमारा ऑर्डर। वाओ, स्मोकी हॉट एंड स्पाइसी चिकन और ये रहा क्रिस्पी चिकन खूब सारे केचप के साथ। तो यहाँ पर दो डाकू बैठे हैं जो कि डाका डालने के लिए तैयार है और ये चलिए ट्रे खिसक गई और ये फिर अलीना ने तो पूरी ट्रे खींच ली भाई। तो KFC के बाद बारी आती है चिकन मोमोज की। चिकन मोमोज हमने खाया बड़े ही मज़े से। ये देखिए अलीना किस तरह से एंजॉय करिए चिकन मोमोज। मैं भी तो थोड़ा सा फ्रेम में आ जाऊँ, ये लोग अपना अपना मतलब क्लिक करवा रहे हैं लेकिन मुझे कोई फ्रेम में शूट ही नहीं कर रहा है भाई। अब मैं आई हूँ इन्फिनिटी फूड कोर्ट और यहाँ पर आने के बाद मैकडोनल्ड का बिग स्पाइसी चिकन रैप ना खाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ना मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट स्नैक्स है मैकडोनल्ड का सच में। अगर आपने कभी बिग स्पाइसी चिकन रैप नहीं खाया है ना मैकडोनल्ड में तो एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए। खैर ये मैंने लिया तो अपने लिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी इतना खा लिया है ना कि बस ये एक अकेले में से तो नहीं ख़त्म होगा, तो इसीलिए इसमें होने वाली है तीनों की शेयरिंग, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो यहाँ पर छीना झपटी शुरू हो चुकी है चिकन रैप के लिए और चिकन रैप खा रहे हैं तो इसे हज़म करने के लिए भाई कोक भी चाहिए। तो कोक का भी हम तीनों ने बंटवारा किया और फिर इतना सब खाने के बाद मीठा तो बनता है,
तो स्वीट डिश में हमने ऑर्डर किया हॉट चॉकलेट वनीला आइसक्रीम और ये रही कोन वाली वनीला आइसक्रीम जो कि एक अलीना खाई गई और एक मेरी है। सॉरी हमारा टिंगड़ा तो एकदम फुल हो गया खा कर के पेट पेट एकदम टाइट, लेकिन ये महाशय अभी भी हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ खाना है क्या, जबकि इनकी टोन देख करके लगता है कि ये खाने लायक अभी बचे हैं बिल्कुल भी नहीं ना। तो बस इसी के साथ हमने यहाँ से पैकअप किया और ले लिया है एग्ज़िट, क्योंकि अभी हम तो उठे हैं सुबह 6 बजे से, 2 जगह फंक्शन अटेंड कर लिया और उसके बाद यहाँ पर घूमने आ गए, खा भी लिया, तो अब हमें चाहिए थोड़ी सी नींद। तो नींद लेने के लिए हम जा रहे हैं बैक टू होम, लेकिन ये क्या लीना तो ऑटो में ही सो गई। तो इस तरह से हमने अपना नेशनल फेस्टिवल मनाया और एंजॉय किया अपना नेशनल हॉलीडे। आपने अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अब क्या सोते हो, अभी देखोगे मोह चाकर आगे घूम फिर कर आगे, प्लीज आप जाओ।